एपिसोड, 190 पिचेस, 80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, शार्क्स का रोस्ट, सब हो तो गया, अब क्या बचा? नहीं, बहुत बचा। और इलेक्ट्रीफाइंग एंटरप्रेन्योर्स आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इस स्पेशल एपिसोड में हजारों लोगों ने एंट्रीज भेजी, जिनमें से कुछ चुनिंदा लोग आज यहाँ आए हैं अपना बिजनेस शार्क्स के सामने परोसने। और हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे शार्क्स के साथ जुड़ रहे हैं गेस्ट शार्क, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हैपिलो, मिस्टर विकास नाहर। शार्क्स, आपको कुछ खट्टा मीठा या चटपटा खाने का मन कर रहा है क्या? वो कच्ची कैरी को काले नमक में डुबोकर खाने का मजा ही कुछ और है, और वो खट्टी मीठी इमली, अरे मुंह में पानी आ रहा है अब तो। शार्क्स, हम देसीज को चटपटा बहुत पसंद है। अगर आप पैकेज फूड्स की हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत विदेशी कंपनीज आई जो अपने साथ लाई काफी अलग प्रोडक्ट्स, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, च्युइंगम, एनर्जी बार, ब्रेकफास्ट सीरियल या नूडल्स भी। मगर इन्हीं में खो गया हमारे देश के अनोखे हजारों प्रोडक्ट्स। बट अब नहीं, क्योंकि हम लाए हैं गोदेसी। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ रक्षा कोठारी। और मैं हूँ विनय कोठारी, और हम हैं को फाउंडर्स ऑफ गोदेसी फ्रॉम नम्मा बेंगलुरु। गोदेसी ऐसी फूड ब्रांड है जो इमली, कच्चा आम जैसे अनोखे फ्लेवर्स के पॉप्स बनाती है, स्पाइसी लेमन, चटपटा मैंगो और अनोखे फ्लेवर्स को स्टैंडर्डाइज करती है, ब्रांड करती है और इनको विदेशी प्रोडक्ट्स के साथ कंधा से कंधा मिलाकर मार्केट में कंज्यूमर के सामने खड़ा करती है। हमने शुरुआत करी थी देसी पॉप से, जो हमारा एक वायरल हिट है, और हमारी दूसरी कैटेगरीज हैं देसी मीठा, देसी बाइट्स और देसी मिंट्स। आज गोदेसी प्रोडक्ट्स भारत में 25,000 स्टोर से भी ज़्यादा में उपलब्ध हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट और क्विक कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं। हमारा विजन है कि गोदेसी एक ऐसा ब्रांड प्लेटफॉर्म बने जिसमें देसी प्रोडक्ट्स देश में नहीं विदेश में छा जाए, और इसलिए हमारी आस्क है 90 लाख फॉर 0.5% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू मेक देसी पॉपुलर विद गोदेसी? रक्षा, विनय, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये बताओ, आप लोग कनेक्टेड कैसे हो? हम भाई बहन हैं। अच्छा, पहले क्या करते थे? आफ्टर माय एमबीए मैंने आईटीसी ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने सारे एफएमसीजी बेसिकली राइट फ्रॉम सोर्सिंग बैकएंड से लेके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इवेंचुअली ब्रांड मैनेजर था मैं एक सनफीस्ट ब्रांड का। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप में एक साल मार्केटिंग भी हेड किया, एंड देन गोदेसी हैपेंड। और कौन सी स्टार्टअप में आपने मार्केटिंग हेड किया? एक स्टार्टअप का नाम था मैड रैट गेम्स, जो बोर्ड गेम स्टार्टअप थी। या। आई एम अ बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आरवी कॉलेज बैंगलोर। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत करी केपीएमजी से, जहाँ पे मैं एक एनालिस्ट थी, और उसके बाद मैंने अपना करियर को थोड़ा सा डाइग्रेस किया, काफी एनजीओ के साथ काम किया, तो मुझे इम्पैक्ट देखना ग्राउंड लेवल पे, मतलब वो बहुत पसंद था, सो दैट्स व्हाई उसी डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद विनय ने जब गोदेसी स्टार्ट किया तो वो मेरी विजन से भी अलाइन करता था कि ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो फिर मैंने विनय को ज्वाइन किया। बट इससे कोई रिलेशन नहीं है जो अभी तक किया है आपने, उससे इसमें कैसे एकदम से आए, मतलब ये कैसे चमका? तो मैं एक हाइक पे गया था, तो हाइक पे वेस्टर्न घाट्स में था, तो जब मैं नीचे आया वहाँ पे एक चाय की टपरी पे एक जैक फ्रूट बार मैंने खाया वहाँ पे, वो बहुत टेस्ट लगा। तब मैं वहाँ दिमाग में आया कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बैंगलोर में क्यों नहीं अवेलेबल हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलो का उस कोऑपरेटिव के पास अलग अलग सामान थे, बहुत सारे अलग अलग, तो उनको लिया और एक फ्ली मार्केट में सेट कर दिया, और 3 दिन के लिए हम लोगों ने स्टॉल बुक करी थी, और पहले दिन में ही सब कुछ सेल आउट हो गया। तो तब वहाँ पे दिमाग में आया कि अगर रीजनल प्रोडक्ट्स को ऑथेंटिसिटी मिले ब्रांड की, ट्रस्ट मिले ब्रांड का और डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत बड़ा ब्रांड हो सकता है। मेरे दो बच्चे आपकी वो जो इमली है उसके बहुत बड़े फैंस हैं। हमारे घर में वो टैंजी इमली हमेशा रहता है, कौशिक को भी बहुत पसंद है। थैंक यू। अच्छा, मैं अमन का डायलॉग बताती हूँ, आप कुछ खिलाने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे बचपन की याद आ जाएगी। We take one all. ये ऑरेंज वाला इमली है। ड्राई फ्रूट बर्फी है और ये मीठा पान है। अरे ड्राई फ्रूट मत लॉन्च करो, मेरा कैटेगरी है। ये बर्फी है। मीठा पान इज अमेजिंग, और इसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं है, इसमें इतना लाल है, कलर डाला है? नहीं, ये डेट्स के कलर आता है। इतना लाल? हाँ।
बचपन की चीज को आपने वेल पैकेज्ड और ब्रांड कर दिया उसका। एंड इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, 5 रुपए। तभी आप इतने सारे जनरल ट्रेड स्टोर्स में बेच पा रहे हो, क्योंकि 5 रुपए तो बहुत ही अफोर्डेबल है। अच्छी है, बहुत अच्छी। थैंक यू, वेरी गुड। तो विनय, ये जो 5 रुपए का SKU है, तो ई कॉमर्स में ऑब्वियसली तो लॉजिस्टिक्स मेक वर्क करने के लिए आप कितना पैक ऑफ मल्टीपैक बेचते हैं, बॉक्स बेचते हैं? हाँ, 50 पीसेस का पैक जाता है, 5 × 5 रुपीस, 250 रुपीस का। तो 250 का टिक नहीं, राइट। इमली का शेल्फ लाइफ क्या है? 12 महीने। देखो, इसमें एक मैंने जो प्रॉब्लम देखा, इसको आपने सील नहीं किया है। करेक्ट, आपने खाली एक नॉट किया है। तो रक्षा, आप बताइए, अगर सिर्फ नॉट करने से वो 12 महीने कैसे आ रहे? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ एयर गोइंग एंड कमिंग आउट, क्योंकि सील नहीं हो रहा प्रोडक्ट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर 2 पार्ट में देती हूँ। इसकी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो उसके इंग्रेडिएंट से पता चलती है। तो इसमें जो टैमरिंड है और जो बाकी मिर्च है और जो थोड़ा सा नमक है, वो ही इसका नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है, और इसी से ये 12 महीने का शेल्फ लाइफ इसको आराम से रख सकते हैं बिना कोई इन्फेस्टेशन से या माइक्रोबियल ग्रोथ से। जो दूसरा, हमने यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लड़ी भी लॉन्च की थी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कम्प्लीटली लॉलीपॉप फॉर्मेट में आती है, ये वाले। अब ये लॉलीपॉप ये कम्प्लीटली सील हो गई है, इससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। ये परफेक्ट है आपके लिए, आई थिंक आपको इसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ब्रेक करिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कितना कितना मार्जिन देते हैं आप? रिटेलर को हम लोग 20% के आसपास देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्लस सुपर स्टॉक के अराउंड 10-15%। तो ऑन MRP देते हैं या ऑन कॉस्ट देते हैं आप? ऑन MRP है। कंपटीशन कौन है? ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है, रीजनल ब्रांड्स हैं। क्यों नहीं है? आई थिंक क्योंकि जो बैकएंड और जो कॉटेज इंडस्ट्री, जो ये प्रोडक्ट्स चालू हुए थे, इनको स्टैंडर्डाइज करना और इनको स्केल करना डिफिकल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताओ तो समझ आएगा थोड़ा कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। आपका खुद का है ना मैन्युफैक्चरिंग? हाँ जी, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सीरा बैंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ के एक छोटे से गाँव मनंगी ग्रामा में हमारे 2 यूनिट है, जहाँ पे हम 3 लाख पॉप्स डेली बनाते हैं। तो इसके 2 मेन जो रॉ मटेरियल, एक है टैमरिंड और एक है जैगरी। उसका pH लेवल, उसका एसिडिक लेवल सब कुछ कंट्रोल करके हमको आता है, तो इस लेवल तक हमने ये स्टैंडर्डाइज करा है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 250 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 यूनिट्स में, जहाँ पे ये 3 लाख पॉप्स डेली बनाती हैं। आपके वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं दिखी कि ये जो है इमली जो इस स्टिक पे रैप की है, हाँ, वो प्रोसेस ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है? वो दिखा नहीं, वो अभी मैनुअल है। तो उसमें हाइजीन का आप कैसे ध्यान रखते हैं? जो वुमेन इनको लगाती है वो पूरा ग्लव्स है, जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट है, जो पैकेजिंग वाला पार्ट है, वो बिना ग्लव्स के करते हैं। ये भी एक रीजन है क्योंकि ये ऑटोमेट करना इसको बहुत मुश्किल है। करेक्ट, हाँ जी। तभी बहुत सारे ब्रांड्स है नहीं ये कैटेगरी में, क्योंकि बिना ऑटोमेशन के उसको स्केल नहीं कर पाते हैं। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने इतने महिलाओं को रोजगार दिया है, और टिपिकली विलेज वुमेन, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कमेंडेबल थिंग व्हाट यू आर डूइंग। चलो अभी सेल्स बताइए। 2018-19 में वी हैड डन अराउंड 60 लाख, देन वी वेंट टू 2.4 करोर्स 19-20, देन 8.5 करोर्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। देन 16. 3 crores, and this year we'll close at 28 crores. हमारा last महीने का number है 2.7 crores. Lovely, super number. अरे but 28 crores sales पे 180 crore valuation कैसे लगाया आपने? हाँ, वो थोड़ा उसमें nostalgia नहीं आया उसमें। नहीं, prior round है कोई? हाँ जी, बताइए। अभी हमने recently June में हमारा series A round close किया था, that was at 120 crore. थोड़ा कैप टेबल के बारे में बताइए ना, आपके पास कितना इक्विटी है, आपके पास कितना है, इन्वेस्टर्स के पास क्या है? सो मेरे और रक्षा के पास दोनों मिला के 38% है, प्लस ईसॉप्स ऑफ अराउंड 5%, एंड रेस्ट ऑफ इट इज विद एंजल्स। इतना डाइल्यूट कर दिया आपने? हाँ, मैं भी वही पूछने वाला था। एक सीरीज ए में इतना डाइल्यूट कैसे हो सकता है? नहीं, पहले एंजल राउंड्स भी हुए। अब रिग्रेट करते हैं इतना डाइल्यूट करना? नहीं, हमें एसेंशियली एक बड़ा ब्रांड बनाना है। मनी इज ओके अ पार्ट ऑफ द एंटायर पीस, बट द आइडिया इज टू क्रिएट अ मच लार्जर कंपनी, जो हमारी जैसी कंपनीज को इंस्पायर करे कि ऐसे यूनिक रीजनल प्रोडक्ट्स भी ब्रांड बन सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। लास्ट राउंड में हमने कितना पैसा उठाया था? 31 करोड़। 6 महीने पहले? हाँ। कितना पैसे अकाउंट में अभी? 24।
बर्न है क्या इतने 2.7 करोड़ की सेल पे? हाँ, थोड़ा बर्न है हमारा एबिटा बर्न, अभी 15% का नेगेटिव चल। तो फिर -15% ऑन आपका जो 28 करोड़ का नंबर है, तो वो कितना आता है आपका? आता है 3-4 करोड़ साल का। हाँ, एंड वर्किंग कैपिटल तो आपका कुछ है नहीं, तो आपके इतने पैसे कहाँ गए? तो अभी काफी सारा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है ऑन फिक्स, जो हम लोग अभी नई यूनिट डाल रहे हैं। तो टोटल कैपेक्स कितना गया है आपका? तो टोटल कैपेक्स अभी अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का 6-7 करोड़ हमारा कैपेक्स में गया है। देखो मैंने और क्या है, अभी इतना कैपिटल रेज करके आप उसको कैपेक्स में डाल रहे हो, उससे अच्छा आप मल्टीपल माइक्रो यूनिट खोल सकते हो पैन इंडिया, तो आप मार्केट से क्लोजर भी हो सकते हो, क्योंकि आपका 5 रुपए वाला प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका बचेगा। वेरी वैलिड पॉइंट। हम लोग अभी जो बेसिकली जो यूनिट लगा रहे हैं वो साउथ के लिए लगा रहे हैं, एज जैसे जैसे हम लोग वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में बड़े होंगे तो हम लोग वहाँ पे भी यूनिट लगाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी कोई स्पेसिफिक लोकेशंस के पास यूनिट लगाना, डेफिनेटली दैट आइडिया मेक सेंस। रक्षा विनय, आपके पास खाली 38% है, बहुत कम है बॉस, आपके पास स्टेक बचा ही नहीं, अगर आगे भी डाइल्यूशन करनी पड़ेगी ना तो आप इवेंचुअली ना बहुत कम हो जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना कम स्टेक मतलब मैंने कभी देखा है। आई फील देयर इज समथिंग नॉट राइट देयर। सेकेंडली, अराउंड 30-50 करोड़ वैल्यूएशन में मैं कंफर्टेबल होता इसमें इन्वेस्ट करने में, बट आई डोंट वांट टू नेगोशिएट सो मच, क्योंकि आपका भी एंटी डाइल्यूशन क्लॉज वगैरह होगा दूसरे इन्वेस्टर्स का, सो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, स्केलेबिलिटी में थोड़ी चिंता है और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा चिंता है। एंड एज अमन वाज सेइंग कि भाई कैप टेबल थोड़ा अभी अब ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास less than 50% है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस थ्रो नहीं करता एनी इनकमिंग इन्वेस्टर के ऊपर। इफ यू कैन टॉक ऑन द वैल्यूएशन, आई एम वेरी कीन टू इन्वेस्ट, बट टू इन्वेस्ट एट से 180 करोड़ आस्क आई थिंक वेरी डिफिकल्ट। देखिए मैं, एक तो मैंने आपको बताया मैं पहले से कंज्यूमर हूँ इस प्रोडक्ट की, मुझे लगता है ये काफ़ी यूनिक है। आपने ब्रांडिंग पे जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो दो पॉइंट्स सब रिपीट कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम जर्नी से मैं गुजर चुकी हूँ, तो वो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है। अगर आप यहाँ से इसको बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो, तो आप फ्यूचर राउंड्स में इंश्योर कर सकते हो कि आप फिर भी आईपीओ तक 25-26% तक रहो। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट साइज तो बड़ा है। आई थिंक जो 180 करोड़ है दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जितने भी आजकल इस ऐसी कंपनीज में मल्टीपल्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे द बेस्ट आई कैन ऑफर इज अ 60 करोड़ वैल्यूएशन, जो मुझे लगता है आपका एंटी डाइल्यूशन है, बट यू कैन ऑफर इट एज एन एडवाइजरी जहां आप अपने इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं कि ये वैल्यू एड शार्प होगी। आई वुड ऑफर यू 60 लाख फॉर 1%, which is a 60 crore valuation, 30 lakhs in debt at 12%. So, ye meri only offer hai. People across India will like this. So, there is sales growth, but valuation is too rich for me. Or, I know 120 crores pe aapne peg kiya hai, so maybe your investors may not agree. So, for that reason, I'm out. Thank you. By the way, aapko share of FMCG chahiye, to ye ek deal दो शार्क्स वाली बन सकती है। जो मेरी ऑफर थी वो सेम ऑफर, पर आपके पास एक अल्टरनेटिव है जहां विकास और मैं साथ में आएंगे। हम आपको मिलके देंगे 60 लाख फॉर 1% एंड 30 लाख इन डेट एट 12%। आई कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज़ आई कम फ्रॉम द फूड बैकग्राउंड आल्सो एंड FMCG आई थिंक। सबसे बड़ा आपका मार्केट प्लेस कौन सा जिस पे आप माल बेचते हो? अभी Amazon 20 लाख है और बाकी सारे क्विक कॉमर्स मिला के अप्रॉक्सिमेटली 30-35 लाख। तो Amazon पे पिछले 3-4 महीने की ट्रैजेक्टरी क्या है? Amazon अभी हम लोग कैटेगरी लीडर्स हैं, तो जैसे जैसे कैटेगरी वो महीने का 4-5% ग्रोथ हो तो फ्लैट सही है मतलब, तो उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है Amazon में इतना। यानी कि एक सीमा है ऑनलाइन पे एक्सपैंड करने की, तो आप यहाँ एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको 500 करोड़ का ब्रांड देखेंगे तो ऑनलाइन इसका 10% से ज्यादा नहीं। करेक्ट, absolutely. तो basically offline भी आपका focus है। देखो मेरे को आप लोग अच्छे लगे, आपका product भी काफी tasty लगा रहा था। मुझे लगता है कि आपको क्या funding मिल गई और आपको एक race में आप भागने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत जल्दी अपना GMV बढ़ाना है। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप ये मत करो, अपना फंडामेंटल बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करो और वैल्यूएशन कहीं से भी समझ में नहीं आ रही।
अगर आप लोग इनका ऑफर लोगे तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो राइट वैल्यू है। पर पहले हमसे तो पूछो। चलो ना, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर तुम लोग, मैं इनके साथ आ सकता हूँ एंड द वैल्यूएशन, बिकॉज़ वो जस्टिफाइड वैल्यूएशन पे फिर भी पैसा बनने का स्कोप है। हम तीनों की अभी कंबाइंड ऑफर है 90 लाख और 1.5%, और आपको हम हेल्प करेंगे आपकी बोर्ड को कन्विंस करने। Can we take 2 minutes? Yes, please, please. Only 2 minutes. आप तो बिल्कुल लग नहीं रहे हो first time. Exactly. सिखा दिया हमने. Very good. ये कुर्सी का कमाल है, अनुपम बात. अरे हाँ, अनुपम की कुर्सी. मित्तल साहब की कुर्सी है तो मान रखना पड़ेगा. मैं अभी empowerment आ जाती है. आपने तो 1 मिनट के अंदर आ गए, आप जल्दी आ गए. अच्छा बताइए. थैंक यू सो मच विनीता, विकास एंड अमित फॉर द ऑफर. बट जैसे आपने बोला, हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो हमारे पीछे प्रीवियस राउंड से नीचे जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो. सो वील एंड आई थिंक उतना निगोशिएशन का स्कोप होगा नहीं होगा. बोर्ड को तो हम कन्विंस कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं. अगर आपको लगता है कि इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू, देन वी शुड गो. नहीं लगता, उन्हें नहीं लगता है. चलो आपना फाइनल आंसर. आई थिंक नो, वी विल नॉट बी एबल टू. ओके, थैंक यू. थैंक यू. गो देसी टू द वर्ल्ड. यस. कितना ओल्ड फैशन्ड है, मैं तो रिलेट ही नहीं कर पाती. ये बहुत स्लो और इनइफेक्टिव है. अगर अच्छी क्वालिटी का है तो जरूर महंगा होगा. शख्स, आप सब सोच रहे होंगे ये हम क्या बोली जा रहे हैं. वेल, ये रिस्पॉन्सेस है हमारे एक मार्केट सर्वे के, जहां हमने 800 से ज्यादा 18 से 35 साल के मिलेनियल्स और जिलेनियल्स से पूछा कि आप अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा को इंटीग्रेट क्यों नहीं करते. शख्स, आज आयुर्वेदिक मार्केट इंडिया में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तरफ है काफी मास मार्केट ब्रांड्स, जहां पे कोई भी क्वालिटी की या रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है. दूसरी तरफ है काफी प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स, जो एक आम आदमी रेगुलर यूसेज के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता. इसीलिए आज तक आयुर्वेदा मेनस्ट्रीम नहीं बन पाया. आयुर्वेदा जब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक 18 से 35 की जनता, नई पॉपुलेशन उसको नहीं खरीदेगी. तो उसको यंग, सेक्सी, सासी बनाना है. इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आयुर्वेदा को यूथ से जोड़ने के लिए हमने दिया इसको एक बड़ा मेकओवर. हमने लॉन्च किया जून 2021 में हमारा नया ब्रांड टैग दी आयुर्वेदा. शख्स, मेरा नाम है परम भार्गवा. और मैं हूँ श्रीथा. हम गुड़गांव से आए हैं और हम दोनों टैग के फाउंडर्स हैं. टैग एक न्यू एज आयुर्वेदा ब्रांड है, जहां हम कुमकुम आदि, इलादी, त्रिफला, भृंगराज जैसे बहुत सारे एक्टिव आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस देते हैं अक्रॉस कैटेगरीज लाइक स्किन, हेयर, बेबी एंड सेक्सुअल वेलनेस. हमारे प्रोडक्ट सिर्फ नाम के लिए आयुर्वेदिक नहीं है, बल्कि ये आयुष सर्टिफाइड एंड क्लिनिकली टेस्टेड भी हैं. आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट theayurvedaco.com से और बाकी सारी मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra से भी खरीद सकते हैं. हमारी ऑफलाइन प्रेजेंस भी है. हम ऑलरेडी 2500 से ज्यादा दुकानों में अवेलेबल हैं और हमारे खुद के लगभग 20 के आसपास एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट भी. वेरी नाइस. हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स, जिनको हम आज तक 20 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं. तो शख्स, हम इनवाइट करते हैं आपको हमारे विजन में ज्वाइन करने के लिए, जहां हम बनाना चाहते हैं इंडिया का पहला आयुर्वेदा ब्रांड, जो ग्लोबल ब्रांड्स के साथ नेक टू नेक कम्पीट करने की क्षमता रख सके. इसलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी. वाओ, 300 करोड़ की वैल्यूएशन. सो शख्स, यंग एंड रेस्टलेस इंडिया को लाते हैं आयुर्वेदा में बैक विद टैग. तो पहले मैं बता दूं दैट आई नो देम एंड सेम हियर. हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में बहुत मिलते हैं और ये इतने बड़े हसलर्स हैं ना, इतने परसिस्टेंट है ना. मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर की बात है, पर अब मेरे को कह रहा था मन आप इन्वेस्ट कर दो, आप प्लीज आ जाओ इन्वेस्ट करने. मतलब यार मैं ना शार्क टैंक के बाहर इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं शार्क टैंक पे आ जाऊँ.
परम एंड श्रीधा, वेलकम टू शार्क टैंक. और मैं एलोपैथी बेचती हूँ, बट आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन आयुर्वेदा. लाइक आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ सॉर थ्रोट, सबसे पहले मैं वो जेष्ठी मध लूंगी, हल्दी दूध लूंगी, सेम थिंग फॉर माई हेयर. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द न्यू ट्रेंड. लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताइए, बिकॉज यू नो आई हैव अ 17 ईयर ओल्ड और आपने एज ग्रुप पकड़ा है 18 ऑनवर्ड. ये बच्चे यंगस्टर्स तो बिल्कुल नहीं मानते इन सब चीजों में, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है टू कन्वर्ट द यूथ? सो फर्स्ट है हमारी ब्रांड पोजिशनिंग. वी स्टीयर क्लियर फ्रॉम अ ग्रैंडफादरली इमेज ऑफ आयुर्वेदा. सेकेंड है हमारा सोशल मीडिया. हम सोशल पे लोगों से उस भाषा में बात करते हैं जो भाषा वो समझते हैं. थर्ड है हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, जहाँ पर हम ऐसे रिलेटेबल फिगर्स से अपना मैसेज कम्युनिकेट करवाते हैं जो ये वाली टीजी सुनेगी. फोर्थ है हमारी एक्टिवेशंस. सो हम कैंपसेस में जाकर हम ऐसे कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं जहाँ पर 18 से लेकर 21-22 साल तक के लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. और यंग जनरेशन से जोड़ना था, इसलिए दी आयुर्वेदा कंपनी को टैग किया. क्योंकि जनरली अगर आप वर्ल्ड ओवर भी देखते हो तो सी एंडिंग साउंड जो है वो आपकी टंग पे अटक जाती है. थोड़ा प्रोडक्ट सैंपल भी दिखा दीजिए. श्योर. टेक व्हाट यू थिंक. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये मास्क है, शीट मास्क. और ये यूनिसेक्स है. जी. पहले मार्केट में मैंने कभी आयुर्वेदा का शीट मास्क नहीं देखा है. आयुर्वेदा में शीट मास्क कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोरियन. एग्जैक्टली. सो आई हैव नेवर सीन आयुर्वेदा शीट मास्क. ये आपकी पैकेजिंग में भी आपने एफर्ट डाला है कि मॉडर्न एफएमसीजी टाइप्स, बिकॉज जनरली आयुर्वेदा कंपनीज में अगेन पैकेजिंग थोड़ी ट्रेडिशनल होती है. आप दोनों का रोल कैसे डिफाइन था? सो बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ भी है, तो पहले बहुत ज्यादा खिचपिच होती थी कि तुम ये देखो गलती ये हुई तो तुमने करी मैंने करी. बट पिछले 1.5-2 सालों से हमारे रोल्स क्लियरली बाइफोकेटेड हैं. मैं सप्लाई चेन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जिसमें सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, बाकी चीजें परम देख. तो बाकी बचा क्या? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पैकेजिंग हैंडलिंग एंड नेटवर्किंग. मतलब प्राइमरली other than performance marketing, online e-commerce market, and then all alternate channels of business. देखो आपने बोल रहे थे कि आप marketplace में बेचते हो, कुछ 2500 store में बेचते हो, खुद के EBOs भी है, website भी है. थोड़ा आपका sales बता दीजिए और आपका revenue split बता दीजिए across all these channels. तो FY22 हमारा 9 months का journey था लगभग. तब हमने 12.7 crores की sale करी थी पूरे financial year में. Very nice. और साथ में profit loss भी बता दीजिए उस साल का. -20% के एबिटा पे थे हम. मतलब आप अराउंड 2.5 crore का लॉस किया था. 2.5 crore के लॉस पे. ठीक है, आगे बढ़िए. मार्च 2022 के अंदर हमने अपना सीड राउंड रेस किया था. वो हमने रेस किया था अजीम प्रेमजी के प्रो कंज्यूमर केयर वेंचर से. उनका पहला इन्वेस्टमेंट था इंडिया में इन अ सीड राउंड. अप्रैल से लेके जनवरी तक हम लगभग 38 crore की सेल कर चुके हैं. तो दिस ईयर हम जो क्लोज करेंगे लगभग 45 crore के आसपास क्लोज करेंगे. कितने प्रॉफिट पे? Again, we are averaging -25-26%. अपने तो और लीवरेज होती. आप -20 पे थे. अभी हमारा बर्न CM3 लेवल पे नहीं है, बट हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ सेल्स चैनल्स. आप अपने राउंड के बारे में बता देंगे, अभी राउंड जो हो रहा है आपका? और अभी तो पिछले राउंड जो हुए किस वैल्यूएशन पे हुए वो भी बता दीजिए, कितना जा चुका है, इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है, आपका शेयर होल्डिंग भी बता दें. श्रीधा और मैं मिला के लगभग 79% होल्डिंग पे हैं. 13.4% इज विद विप्रो. 4% एक हमारे HNI फर्स्ट इन्वेस्टर थे राहुल गुप्ता, उनके पास है. 3% एक इन्वेस्टर और है मिस्टर हर्ष गुप्ता, उनके पास है. एंड 1% इज लगभग अदर फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास. ESOP pool अब क्रिएट कर रहे हैं इस राउंड के अंदर. ये प्री कैपिटेबल की बात है जो हमने लास्ट राउंड रेस किया था. लास्ट राउंड ये हमने रेस किया था मार्च 2022 में एट 81 crore प्री मनी वाले. और कितना रेस किया था ये हमने? 12.7 crore रेस किया था. तो करंटली हम जो रेस कर रहे हैं इट्स अ कन्वर्टेबल राउंड. हम $15 million रेस कर रहे हैं. 100 crore का राउंड है. उसके अंदर एक 10 करोड़ की जो आस्क है ओवरऑल, वो हमारे कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की आ चुकी है. न्यू इन्वेस्टर्स में
एक हमारी सेलिब्रिटी हैं जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बेबी केयर की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी है, काजल अग्रवाल ने। टर्म शीट आ चुकी है आपके पास नए राउंड की, किस वैल्यू पे आई है? तो ये राउंड कैप राउंड है, 300 करोड़ फ्लोर एंड 500 करोड़। 300 से 500 करोड़। हाँ जी। तो यार मेरा तो डिसीजन बन गया है, मतलब ये तो आपकी वैल्यूएशन उनकी, मेरा डिसीजन बन चुका है। सो अमित, बिफोर यू शेयर योर डिसीजन, जो हमारा एक जो मेजर डिफरेंस है ना, आज तक आयुर्वेदा हमेशा बैक स्टेज खेला है, कि कभी क्लेम नहीं करता कि इतने दिनों में तुम्हें रख के रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि आज मॉडर्न साइंस और डर्मा बोलती है। हम करते क्लेम बेस्ड आयुर्वेदा, हम क्लेम करते हैं कि हमारा कुमकुम आदि ऑयल 21 दिनों में आपकी ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन को हटाएगा ही हटाएगा। एक मिनट, लेट मी स्टॉप यू राइट हियर। मैं आयुर्वेदा में बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। ऐसे क्लेम्स सिर्फ एक्सटर्नल से आप 7 दिन या 15 दिन में चेंजेस नहीं देख सकते, आपको इंटरनली भी आपका पूरा लाइफस्टाइल बदलना होगा, राइट? तो अगर एक टीनेजर है जो पूरा दिन फ्राइड और स्वीट खा रहा है और फिर आपका एप्लीकेशन लगा रहा है, तो 7 दिन या 15 दिन या जो भी आपका क्लेम है ना, कितना भी आप क्लेम करो उसके पिंपल्स नहीं जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट पुशिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, हम पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। क्लेम नहीं कर सकते ना। आप लोग के केस के अंदर, मतलब आप मांग रहे हो 300 से 500 करोड़, इतना लॉस मेकिंग है, कोई प्रोडक्ट का प्रूफ ही नहीं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि वायरल हो गया है, हमारा कोहोर्ट ऑफ कैक गिरते जा रहा है, मेरे को तो कहीं से कन्विक्शन ही नहीं आ रहा कि इसमें पैसा लगाना चाहिए एज अ इन्वेस्टर एट दैट वैल्यू ऑल्सो। आज मैं आउट होना चाहूंगा, बाकी शख्स बाकी 300 करोड़ के वैल्यूएशन के लिए मैं उसी कंपनी में पैसे डालूंगी जहां मुझे प्रोडक्ट में कुछ बहुत सॉलिड डिफरेंशिएटर या कुछ अलग है ऐसा दिख के आए, बट अभी तक आई एम नॉट कन्विंस्ड एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मजाक नहीं है 100 करोड़ रुपए रेज करना, 100 करोड़ का क्या करोगे? इस 100 करोड़ के फंड रेज में हमारा एक बिजनेस प्लान में एक मेजर इन्वेस्टमेंट है हमारी खुद की इनहाउस R&D सेटअप में। परम श्रीधा, ये जो मार्केट है, द नंबर ऑफ ब्रांड्स जो आ गए हैं, तो बहुत क्लटर्ड है। अभी आपका प्रोडक्ट हीरो है कुमकुम आदि, जिसको इंग्रेडिएंट को हीरो बनाया कामा ने, ऐसे ही मामा अर्थ ने अनियन को बनाया, एप्पल साइडर विनेगर वाओ ने बनाया। तो वो जो एक हीरो जिसको आप ओन करोगे जब तक वो प्रोडक्ट क्रैक नहीं होगा, इसमें बर्न हम कम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी 100 SKU बन गए हैं पर एक भी वो नहीं बना है जो एक क्रेजी वायरल, वो क्रैक करना पड़ेगा। और आप 300 करोड़ करने जाओगे नेक्स्ट ईयर, बहुत मुश्किल है। तो एट दिस मोमेंट मैं आपके ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, पर आई एम हैप्पी टू हेल्प यू इन ऑफलाइन इन एनी वे पॉसिबल, एग्जीक्यूशन के में जो भी आपको हेल्प नीडेड है, बेस्ट ऑफ लक। मेरे को पता क्या लगता है, या तो आप फटोगे या फोड़ोगे। I'm in for the journey, but I cannot give you your that valuation at all. There is no way मैं 300 या 500 करोड़ पे जा सकता हूँ, मेरे को नहीं करना, ठीक है? I'm in just to support you guys, और जैसे आपको पता ही है कि मैं I can support you in many ways. I'll give you a 50 lakhs at 1%, which gives your valuation to 50 crores, और बाकी debt at 10%. तो परम, मेरे कुछ सवाल थे, मैं ये पूछना था कि आपने कुछ 12 करोड़ रेस किए, तो कितना बैंक बैलेंस है आपके पास अभी? अभी बैंक में 2.5 से 3 करोड़ है हमारे पास, उस 12 करोड़ में से ओवरऑल जो हमने उसके बाद भी रेस किया। ठीक है, अच्छा हमने स्टोर्स के बारे में बात की, तो ये फुल फ्लेज स्टोर्स है या शॉप इन शॉप है? ये कियोस्क्स हैं। कियोस्क्स हैं, और ये ट्रायल पे हैं। अगर किसी जगह पे हमारा कियोस्क सुपरसोनिक परफॉर्म कर जाता है तो हम उसको स्टोर में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको रैप अप करने में भी इक्वली फास्ट। तो कुछ कमिटमेंट है उनके साथ कि आप 3 साल चलाएंगे, 5 साल चलाएंगे? कोई रेंटल लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है या शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट? शॉर्ट टर्म, 6 महीने का लॉक इन। 6 महीने का लॉक इन है, तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो, इसलिए ये स्ट्रेटजी ली थी। और अगर मार्केट प्लेस की बात करें तो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस का स्प्लिट बताइए, और उसमें मार्केट प्लेस का कंट्रीब्यूशन बताइए, और खुद के वेबसाइट का कंट्रीब्यूशन बताइए। सो ओवरऑल बिजनेस का स्प्लिट 55% ऑनलाइन है अभी और 45% ऑफलाइन है। 55% रफली ट्रांसलेट्स टू 2 करोड़ 40 लाख के आसपास। 2 करोड़ 40 लाख में से लगभग
1,90,00,000 हमारा मार्केट प्लेसेस है और 50,00,000 करंटली हमारी वेबसाइट पर। तो मैं ऑफर देना चाहता हूँ आपको 75 लाख फॉर 1% एंड रिमेनिंग इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। सो थैंक यू अमन, थैंक यू विकास। अमन हम एक काउंटर ऑफर देना चाहते हैं 75 लाख 4.5%। नहीं नहीं। So, क्या आप लोग जॉइंटली आना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। मैंने आपको बताया था रीजन मेरा यही था आने का कि I wanted to come for the support and to see if we can grow together. Aman, but already we are closing this year at 45 crores. नहीं, अगर तो और वेट करना है तो बता दो, मैं बाहर चले जाता हूँ, आप वन टू वन बात करो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने ऑफर दिया विकास, इसलिए एक बार बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए पूछा भी कि आप लोग जॉइंटली आएंगे। तो मेरा लास्ट ऑफर, मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, ठीक है? तो एक छोटा सा, मैं आप दोनों को, क्योंकि दोनों के पास बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है हमारे बिजनेस के लिए, सो इफ यू नो वी कैन लुक एट 0.5% एंड 50 लाख टुगेदर इफ दैट सूट्स यू। बिकॉज सी लास्ट राउंड में मेरा 81 CR पे था एंड मैं बहुत ज्यादा ऊपर गया नहीं, जबकि 50 CR वी आर ऑलरेडी डू। इट्स ओनली बिकॉज़ सो इनका काउंटर है 50 लाख फॉर 0.5% इक्विटी फॉर द टू ऑफ यू। मंजूर है कि नहीं? बोथ ऑफ यू कम टुगेदर। अमन, लास्ट 81 में हुआ था, साथ में कर सकते हैं। ओहो, लोडेड साइलेंस बोलते हैं इसे। आपके लिए यहाँ तक आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। पता है, लेकिन तू छोटी बातें कर रहा है। ठीक है, मैं तेरे लास्ट वैल्यूएशन तक जा सकता हूँ। 81 crores, साथ में आएंगे, आधा परसेंट लेंगे। इफ अमन अग्रीज टू जॉइन। नया शार्क है, 3-4 बार बोल चुका है, कर लेते हैं। थैंक यू सो मच पुराने शार्क। तो हमारा फाइनल ऑफर है, मैं और विकास दोनों साथ आएंगे, 81 लाख फॉर 1% इक्विटी और बैलेंस हम डेट में देंगे फॉर 12%। बोलो मंजूर है? ले ले, डील पक्की। ब्रांड के पीछे कर रहे हो। अरुण भाई, कंग्रेचुलेशंस। सीधा नमस्ते शार्क्स, मैं नुमलारो में अलियाया। आज हम जब स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के विषय में बात करते हैं तो हम सिर्फ बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के बारे में ही हम सोचते हैं, लेकिन आज मैं तागे रीता, मैं ताखे तामो, हम दोनों अरुणाचल प्रदेश से और एक बहुत ही सुंदर जगह जीरो वैली से हम आए हैं। ये देखिए हमारा जीरो वैली, जो कि यहाँ मुंबई से 3,000 किलोमीटर दूर है। वाओ। अगर हम हवाई जहाज से यहाँ आना चाहे तो भी हमें 8 घंटा पूरा लग जाता है। जीरो वैली हमारे ये जीरो फेस्टिवल म्यूजिक के लिए ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन हमने और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ देखे। तो आज आप शार्क टैंक इंडिया हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम हमारे प्रोडक्ट और हमारा बिजनेस को इस देश के आगे हम ले आए। हमारे जीरो वैली और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही डिलीशियस फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कीवी है, प्लम है, पेयर्स है, वाइल्ड एप्पल है, और एडजॉइनिंग एरियाज में बहुत सारे संतरा, पाइनएप्पल्स, गुआवा भी मिलते हैं। और इन्हीं फलों को लेके हमने फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए और हमारा कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए हमने वाइन बनाया है। 2017 में हमारा ब्रांड लॉन्च हुआ नारा अबा वाइन्स, और हमारा अपना खुद का वाइनरी है जिसका कैपेसिटी है 60,000 लीटर्स पर बैच, और हम साल में 2 बैच बनाते हैं। हमारा कंपनी अभी 5 साल हुआ और इन 5 साल में हमने 3 लाख बोटल्स बेचे हैं 3 राज्य में,
नोटिस किए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में। और हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा नाराआवा कीवी वाइन जो है देश का सबसे पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी फ्रूट से बनाया गया है। तो शार्क्स, आज हमारा आस्क है 75 लाख फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द शार्क्स टू लेट अस मेक जीरो वैली द प्राइड ऑफ इंडिया विद नाराआवा वाइन्स। वेलकम टू शार्क टैंक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके जीरो वैली का पॉपुलेशन क्या है? अराउंड 32,000 पीपल। वाइन बनाने का कहां से इंटरेस्ट आया? अमन, हम दोनों जो है, हमारा बैकग्राउंड, हमारा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग का है। मैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया है और हमारा हस्बैंड जो है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। हम दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे एंड कॉलेज के बाद जी हमारा हस्बैंड का एक्चुअली उसका ओरिजिनल आइडिया था उसका कि वो एक वाइनरी अपना हमारा हो। और फिर वो बहुत सारा वाइनरीज इंडिया में विजिट किया एंड देन वो बहुत ही इंसिस्टेंट था, परसिस्टेंट था अपना ड्रीम्स को लेके, विजन को लेके। वो इतना इंसिस्ट क्यों करते थे? आपको वाइन पीने का बहुत शौक है? खुद वाइन पीने का बहुत शौक है। 2014-15 का बात है, उस समय बहुत सारा फल जो है ऐसे ही सर रहा था, तो वो फ्रूट्स ऐसे सरते हुए देख के मुझे बहुत बुरा लगा। एंड देन लाइक आई यू नो कम्प्लीटली एग्री टू हिज आइडिया दैट इफ वी सेट अप अ वाइनरी देन फ्रूट्स कुड बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड देन वी ऑल्सो पिच्ड आवर आइडियाज टू सम ऑफ द बैंक्स एंड दे लाइक्ड एंड देन इसी से लेके हमारा वाइनरी सेटअप हुआ। नाराआवा का मतलब क्या है? नाराआवा, इसका लिटरल मीनिंग, इसका दो मीनिंग है। Nara stands for name of the place. Aba means father. That's a literal meaning. And it is actually dedicated to my father-in-law, who was called as Naraaba by all his grandchildren. Wow. It's how nice. Sweet. Very inspiring. How sweet. Iske andar kitna alcohol content? One is the classic, that is 13%. And for the a bit sweeter one, that is 10%. And all other fruits, we have got 6 variants, 2 from kiwi, 2 from plum, wild apple, and then pear wine we have. What is the price of one bottle? So this premium one, this is priced at 1,200 rupees. For a bottle of wine, 1,200, how much do you make it for and how much do you save money? What are the other costs? Our gross margin is 50%. So hamara margin is around 18-19% aata hai. So and then 18-19% kya hai gross margin? हम लोग एक्स वाइनरी प्राइस 800 में देते हैं, तो 800 में हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 400 आते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 50% हो जाता है। फिर जो बैंक का कर्जा है उसका EMI, देन अदर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन के लिए कुछ जाते हैं, तो उसमें चला जाकर 18-19% 150 रुपीस पर बोतल में बच जाता है। ई एम आई किस चीज़ का? बैंक में लोन लिया हुआ है। लोन प्लांट लगाने का? प्लांट हमने दो बार अपग्रेड किया हुआ है। कितने रुपए लगा हुआ प्लांट? टोटल खर्चा अभी 6,20,00,000। आपने बोल रहे हो ई एम आई का खर्चा आता है बोतल में, मतलब ये मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ना भाई, तो अभी कितना आ रहा है ऊपर बोतल? पर बोतल में अराउंड 78 रुपीस जैसा आएगा। ये ऐसे प्रोमोटर पर बोतल में 50 रुपीस रखते हैं। ये मतलब ये क्या है? ये सैलरी है मतलब इन अवे ऐसे बोल देते हैं। फिक्स सैलरी नहीं, जितना बोतल बेचा उतना ही सैलरी आएगा। इतना रखते हैं। और जो ये बोतल पी लेती है बैठ के उसका काटते हो? अपन लोग 528 रुपए पे आ गए हैं। 400 अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगाए, 78 आपने लगाए अपने प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग में, 50 रुपए हमारी मैडम ने ले लिया। अब कितना बचा और आगे खर्चा? हमारा कभी प्रमोशन, इवेंट, मार्केटिंग, ये सब शिपिंग होगा ना, बहुत लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है। लॉजिस्टिक बहुत कॉस्ट रहता है उसमें, अप्रोक्स वो भी 50-60 रुपीज जाता है। फिर ये 530 में 50 की, तो 580 हो गया, और कुछ बचा? फिर अदर कुछ मिसलिनियस, कुछ स्टैंडी, ओके, पैम्पलेट, पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल, बेसिकली वो जो दुकान में आप बेचते हैं वहां पे लगा दो। मार्केटिंग प्लस मैनपावर में बाकी खर्चा डाल दूं और बचा 150 एंड में, ऐसे मान लूं?
Yes. ये तो बॉटल का हो गया, टोटल सेल कितनी है पर मंथ? एवरेज में 45 टू 46 का लैक्स का होता है। और घर पे कितना बच रहा है आपने? घर में बच जाता है हमारा 8 लाख से 9 लाख जैसे बच। 8 से 9 लाख। लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना था आपका? लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 4 करोड़ 94 लाख। 5 करोड़ सेल्स, ये 45 लाख टैक्स के बाद है ना, जीएसटी के बाद है? जीएसटी, एक्चुअली जीएसटी भी नहीं लगता है हम लोग में। इसमें सेल्स टैक्स नहीं होता है? नहीं लगता। हमारा स्टेट में अगर करेगा, पूरा एग्जम किया हुआ है, ओनली इन अरुणाचल प्रदेश। बट आपका थोड़ा बहुत मार्जिन कट ऑफ हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है, बट दूसरे स्टेट में टैक्स होगा थोड़ा सा। वाइन जो है एक प्रीमियम लिटिल स्नॉबिश कैटेगरी हो गई है, और ये जो आप करने जा रहे हैं पूरा एक कैटेगरी क्रिएशन है, वो एक वाइन का एक अलग ही मार्केट है, उससे कम्पीट करना, वो भी कीवी प्लम एप्पल, बहुत अपहिल टास्क है, और इसमें बहुत सारा मार्केटिंग मनी लगेगा आपको। एंड आई थिंक उसके वजह से स्केलिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन ग्लोबली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा आई डोंट थिंक इसमें वो पोटेंशियल है जो मेरे लिए अट्रैक्टिव है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। लास्ट 3 साल की सेल बता दो एक बार। लास्ट ईयर को हम लोग का 4.94 करोड़ हुआ है। और इस साल कितना हो चुका है अभी तक? इस साल अभी हमारा 4 करोड़ 82 लाख। उससे पिछले साल? उससे पिछले साल 3 करोड़ 65 लाख। देखो आप मांगने आए थे 75 लाख 2.5% के लिए, मेरे को थोड़ा वो स्टीप लग रहा है क्योंकि मार्केट अभी छोटा है इसका, तो मैं आपको देना चाहूँगा 50 लाख फॉर 5% ऑफ योर कंपनी एंड रिमेनिंग 25 लाख एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। जैसे फ्रांस में ना शैंपेन बहुत फेमस होती है, राइट? स्कॉटलैंड में होती है स्कॉच, वैसे ही ना इंडिया से कोई ऐसी अल्कोहल का कुछ होता नहीं है, तो आई होप कि ये जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ये एक इकोसिस्टम प्ले बनाना पड़ेगा आपको, बट आपको ना थोड़े और लोग लाने पड़ेंगे अपने साथ जो ये इसको थोड़ा सा ना, मतलब एज अ किवी वाइन बिकम्स लाइक अ कैटेगरी इटसेल्फ, राइट? फ्रॉम अरुणाचल। तो आई वुड से इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। यू गाइस, आप लोग इतना अच्छा लगा, यू गाइस आर प्लीजिंग पर्सनालिटीज, और आप लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हो। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ, उतना मेहनत मैं भी करना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा लेजी इन्वेस्टर, ठीक है, फॉर नाउ, बट फॉर दैट आई एम आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू ऑलरेडी हैव वन ऑफर एंड विनीता एंड अमित विल स्पीक नेक्स्ट। ये एक एब्सोल्युटली न्यू कैटेगरी है, नोबडी नोज कि ये 1000 करोड़ की कैटेगरी बनेगी कि ये 50 करोड़ पे रुक जाएगी, तो एक गैम्बल वाली बात है। बट मैं आपको विकास के साथ एक ऑफर देना चाहूँगी, हम दोनों साथ में आएंगे, एंड जो आपने आस्क की थी 75 लाख, पूरा इक्विटी लेंगे बिकॉज आपके पास डेट ऑलरेडी काफ़ी है, पर हम 10% लेंगे ऑफ द बिजनेस, 5%, 5%, जिससे हम इसमें इनफ स्किन इन द गेम हो कि आपको हेल्प कर सकें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऑफ कोर्स अगर वाइन का कंजम्पशन पूछें कि कहाँ पर सबसे ज्यादा इंडिया में, किस स्टेट में बताइए? महाराष्ट्र। वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हम लोग? 6-5 साल हो गए कंपनी चलाते हैं। स्टेट लाइसेंस में बहुत प्रॉब्लम है यार, इंडिया में इतना इजीली नहीं मिलता ये लाइसेंस। तो मैं इस टाइम पे अगर ये ऑफर नहीं दिया होता तो मैं डेफिनेटली ऑफर देता आपको, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लगे एंटरप्रेन्योर, पर आपको ऑफर मिल चुका है इससे मैं बता दूँ। आपके पास एक ऑफर है 75 लाख फॉर 10%। अब आप लोग सोच सकते हैं आपका क्या मन कर रहा है। हम दोनों ये सोचा है कि 5% ऑफर करेंगे 75 के लिए, और आप दोनों उसमें 2.5 आप दोनों ले लीजिए। दैट्स अ काउंटर ऑफर। नाउ व्हाट डू यू गाइस थिंक? लास्ट एंड फाइनल 75 लाख 7.5%। मैं और एक ऑफर बताऊं, 5% 50 लाख में, ओके, और 25 को आप लोन में दे दीजिएगा 10%। चलिए, डन डन डन, बहुत बढ़िया।
Congrats. Amazing. Thank you. I'm very excited. Look at that smile. आप जाके ऐसे हो. Now today you drink all bottles. Okay. Amazing. Fantastic meeting you. Congratulations. Thank you. शार्क्स भले इन बच्चों का साइज छोटा क्यों ना हो बट इनके कपड़े तुम्हारे कपड़ों से भी ज्यादा महंगे आते हैं. शार्क्स हर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यूट और स्टाइलिश ड्रेसेस पहनाना चाहता है पर प्रॉब्लम ये है कि 3 से 4 महीने के बाद ये कपड़े उनको फिट होना ही बंद हो जाते हैं. शार्क्स ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेरे क्योंकि जब मैं मेरी बेटी के लिए शॉपिंग करने मार्केट में जाती थी तो जितनी भी ट्रेंडी और फैशनेबल मुझे चीज़ें पसंद आती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी मेरी जैसी हज़ारों लाखों मिडिल क्लास मदर्स की प्रॉब्लम थी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए स्टाइलोबग किड्स है ब्रांड. हाय शार्क्स, मेरा नाम है निधि गौतम और मैं कमल त्रिपाठी. हम आए हैं दिल्ली से और हम हैं को-फाउंडर स्टाइलोबग. तो शार्क्स स्टाइलोबग एक मास प्रीमियम किड्स वेयर ब्रांड है. इसमें हम 2 से 16 साल तक के कपड़े बच्चों के लिए बनाते हैं जो फैशनेबल तो हैं पर साथ में अफोर्डेबल भी. हमारे प्रोडक्ट की रेंज जो है वो 300 से लेकर के 5000 के बीच की है. शार्क्स ये ब्रांड 2018 नवंबर में लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अब तक हम 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को स्टाइलिश बना चुके हैं. हमारे प्रोडक्ट्स हमारी खुद की वेबसाइट stylobug.com और कई सारे मार्केट प्लेसेस जैसे मिंत्रा नायका फर्स्ट क्राई में अवेलेबल हैं. हम ऑफलाइन भी 10 से ज़्यादा मल्टी ब्रांड स्टोर्स में अवेलेबल हैं. तो शार्क्स हमारा विजन है कि हम हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकें उनको स्टाइलिश कपड़े पहना सकें और साथ में स्पेशली पेरेंट्स को हमें गिल्ट फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकें. तो इसके लिए हमारा आस्क आपसे है 80 लाख फॉर 2% ऑफ द इक्विटी. तो शार्क्स अब हर दिन हर बच्चा बनेगा स्टाइलिश विद स्टाइलोबग. निधि एंड कमल वेलकम टू शार्क टैंक स्पेशल एपिसोड. थैंक यू शार्क्स. तो ये बच्चे आपके? दो मेरी क्रिएशन है. धंधे से पहले जानना चाहते हैं आप दोनों के बारे में कि आपको स्टाइलोबग शुरू करना था और एक आपका पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए. मैंने IIT दिल्ली से 2004 में ग्रेजुएशन किया हुआ है. उसके बाद से मैंने फॉर 10-15 ईयर्स मैंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है. उसमें से 10 ईयर्स ई कॉमर्स सेक्टर में काम किया हुआ है जिसमें कुछ मार्की कंपनीज लाइक स्नैपडील जोमैटो और अमेजोन में मैंने काम किया हुआ है. अगर आपने स्नैपडील का कभी मोबाइल ऐप यूज़ किया हो तो उसको पाइनियरिंग मैंने और मेरी टीम ने बिल्ड किया था. आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो? जी. मैं खुद MBA हूँ और मैंने कॉर्पोरेट में 4 ईयर्स B2B सेल्स में जॉब करी हुई है. तो आपने जब ये स्टार्ट, एक तो ये शैतानी बहुत कर रहा है. इनको हम छोड़ के आते बैकस्टेज. अमिशी चलो बेटू कम 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 कम. बाय. थैंक यू अमिशी को. ये आपने इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था? कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. All of a sudden, एक दिन मैंने सुबह उठ करके इनको बोला आई वॉन्ट टू बी अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर. तो इन्होंने पूछा कि कितने पैसे चाहिए. मैंने अभी तो 15,000 दे दो. और फिर क्या किया नेक्स्ट? मैंने जो बुटीक से मैं कपड़े सिलवाती थी अट्टा मार्केट नोएडा में आपने सुना होगा. मैं उस सारे बुटीक्स में गई अट्टा मार्केट के और मैंने सबको बोला कि मुझे एक टेलर चाहिए है. और विद इन 2 डेज मेरे पास कॉल आ गया कि एक टेलर मुझे मिल गया है. दूसरे दिन मैं उसके साथ गई और मैंने मशीनें खरीदवाई और मैंने वो मशीनों का अपने 2BHK घर में एक सेटअप स्टार्ट किया. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. आपने इन्हें कब ज्वाइन किया? तो मैंने इनको 1.5 साल पहले June 2021 से ऑनवर्ड से मैं फुल टाइम मैंने इनको.
क्यों डिसाइड किया ज्वाइन करना? जब मैं जॉब में था तो मैं एज एन इन्वेस्टर इनको थोड़ा मनी प्रोवाइड करता था, साथ में इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वीकेंड पे मैं सुनता था, और प्योरली फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव जैसा स्टार्टअप में होता है मैं इनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था। अलॉन्ग द वे स्टाइलोबक का ग्राफ काफ़ी फास्ट राइज कर रहा था और 21 के बियॉन्ड फिर इन्होंने बोल दिया कि अगर इसके बियॉन्ड ग्रोथ चाहिए तो यू विल हैव टू कम फुल टाइम, अदरवाइज ये इसी लेवल पे चल सकता है, क्योंकि फिर निधि अपना प्रोडक्शन डिजाइनिंग सोर्सिंग हर चीज़ खुद ही देख रही थी। तो सीईओ निधि है? हाँ जी। या वो बहुत स्ट्रिक्ट बॉस है क्या, आप इतना दूर खड़े हो? काफी हाई पेइंग जॉब छोड़ के आपने ज्वाइन किया है इस इधर, कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। अच्छा बताइए डिजाइन कौन करता है आपके वहाँ? डिजाइन पूरी अभी तक मैंने ही करी है, बट अभी लास्ट वन ईयर से आई हैव डिजाइनिंग टीम, तीन चार लोगों की टीम। और मैन्युफैक्चरिंग का होता है? खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग भी है। जब आप ऑटोमेट करते हैं तब सम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है, राइट? और आपका इतना बड़ा रेंज है, 2 years to 16 years, ये वाइड रेंज हो गया, बॉयज एंड गर्ल्स, इवन विद इन गर्ल्स कैजुअल भी है, ब्लिंग भी, मतलब यू नो पार्टी वेयर भी है, एथनिक वेयर भी है। तो जब इतने सारे आपके ऑप्शंस होते हैं तब स्टैंडर्डाइज करना और मैन्युफैक्चर करना, बिकॉज यू हैव टू चेंज द बैचेस, तो वो आप कैसे प्लान करते हैं? अभी आज के डेट में चूंकि डेड स्टॉक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले स्मॉल बैचेस में लॉन्च करते हैं और उसका रिस्पॉन्स आते ही हम उसको लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं, या रिस्पॉन्स नहीं आता है तो 1 से 2 महीने में फेज आउट कर देते हैं उसे। हमारा एक प्रोप्राइटरी ERP सॉल्यूशन है, इवन वेंडर्स के लेवल तक कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, वहाँ पे लो एनओ क्यू रखना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने ओवर द ईयर्स इन बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल फिगर आउट करके ऑपरेट की हुई, इसलिए भी आप इतनी रेंज हमें देख पा रहे हैं। तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब काफी कम होना चाहिए जो आपने बताया, उसकी वजह से कितना है? शार्क्स हमारा 2 से 3 महीने का होल्डिंग पीरियड है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी स्क्वीज साइकिल होगी। आप जब पूरी पेज दे रहे थे मुझे लग रहा था कि आपका जो इन्वेंट्री टर्न होगा बहुत लाइक 30 days विल बी ग्रेट। Like all the big houses plan 6 months in advance and produce. तो अपने छोटे स्टार्टअप जो होते हैं वो इनोवेट करते हैं अपने इन्वेंट्री टर्न्स पे। वो इनोवेशन अभी नजर नहीं आया आपने जितनी पिच दी उसके बाद। सर वो इनोवेशन है एक्चुअली, देखिए जो हम 3 महीने की इन्वेंट्री बोल रहे हैं वो हमारे बेस्ट सेलर की है, जो हमारे कम बिकते हैं वो तो आप समझो हमारे पास 15-20 दिन से ज्यादा हमारे पास उसकी इन्वेंट्री नहीं रहती है, बट बेस्ट सेलर हम बार बार बनाएं और क्योंकि उसकी क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो हम उसमें बना करके हम रख देते हैं 3 months का स्टॉक कि हम अब दूसरों पे फोकस करेंगे जो नए स्टाइल्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो निधि कमल आपकी सेल कितनी है? सुशाक लास्ट ईयर हमने क्लोज किया था 14 crore पे और इस साल भी ऑलमोस्ट हम सेम लेवल पे क्लोज करेंगे। लास्ट मंथ 46 lakhs, उससे पहले 42 lakhs, सेल से पहले 50 lakhs। सेल ग्रो क्यों नहीं हो रहा? कम हो गई है इनफैक्ट। एक्चुअली जो हमारा आफ्टर दिवाली से लेकर के जनवरी तक थोड़ा सा लीन सीजन होता है बिकॉज हम विंटर वेयर नहीं बनाते इस साल तक, नेक्स्ट ईयर हम वो भी लॉन्च करेंगे। अब जैसे फरवरी आ गया, एथनिक वेयर का तो पीक होना चाहिए। एग्जैक्टली, शादी का सीजन है। ये जो रेवेन्यू आ रहा है ये एथनिक वेयर से ही आ रहा है। दीदी आप एक बार एथनिक के बारे में बात करें, कपड़े भी दिखा दीजिए, लुक एंड फील कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। गुड कलर, वाइब्रेंट कलर, बढ़िया। मेरे को फ्रिल वाली जो फ्रॉक दिख रही है वो बड़ी सुंदर लगी। और ये क्या प्राइसिंग रहती है इन ऐसे? ये हमारा है ₹815। तो ₹800 इसके लिए ठीक है, ज्यादा है कम है क्या है? कम है। अच्छा, नॉर्मली इससे महंगी आती है? हाँ जी। ये 800 MRP है या सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है ये, सेलिंग। तो MRP क्या होगा इसके ऊपर? आप 50% ऐड कर लीजिए। आप 1600 का टिपिकली होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक बार बता दीजिए बनता कैसे है, क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा समझा दीजिए उसको। अगर हम नेट इसको ₹100 का अगर मानते हैं तो उसमें हमारा कॉग्स होता है ₹45, तो हमारा ग्रॉस हो गया 55%। उसके बाद 30% ट्रेड मार्जिन जिसमें मार्केट प्लेसेस के कमीशन, लॉजिस्टिक चार्जेस, पेमेंट गेटवेज और हमारी मार्केटिंग खुद पूरा मिला करके 30% होता है।
5% और खर्चे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। हमारा सिर्फ 1% एम्प्लॉई कॉस्ट है, क्योंकि वहीं पे जो ERP टेक हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर हम प्रोडक्शन और डिस्पैच की टीम्स को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा पूरे स्टाफ में बस मैं, निधि और एक और पर्सन है। बहुत बढ़िया। फाइनल कितना पहुंचे? फाइनल हमारा जो नेट मार्जिन है दैट इज 17-18%। 14 करोड़ की सेल में आपने कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास कमाया। 2.5 करोड़। सही है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि उतने में रुकना नहीं है ना, इसको और बहुत बड़ा बनाना है। क्या एम्बिशन है आपका? कुछ ब्रांड्स हैं जैसे जिनी एंड जॉनी है, वो 4,000 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं। आपके लिलीपुट हैं जो बेसिकली 700-800 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं। जबकि अगर आप पूरा मार्केट अगर देखें तो पूरा मार्केट अपने आप में 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें सिर्फ 30% ही ऑर्गेनाइज है, रिमेनिंग स्टिल अनऑर्गेनाइज। हम उसमें से एक सबसे बड़ी ब्रांड बनना चाहते हैं। वो लोग अच्छा क्यों कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ कैजुअल में डील करते हैं, क्योंकि कैजुअल पूरे साल भर दिखता है। तो वो तो बेटर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्केल पे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करना चाह रहे? वो फोकस्ड है ना, अगर उसको आपको करना है तो वही करना होगा जो वो कर रहे हैं, कि उसमें एक ही डिज़ाइन में आप कपड़े चेंज कर करके आप मार्केट में निकालते रहो। एक पॉइंट के बियॉन्ड आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। पिछले साल आपने किया 14 करोड़, इस साल भी कर रहे हो 14 करोड़, ग्रो तो आप भी नहीं कर पा रहे। हम अभी तक मार्केटिंग में हम कंसिस्टेंट मनी स्पेंड नहीं कर रहे थे, कुछ कभी हम कुछ मंथ्स में कर रहे थे, कुछ में नहीं कर रहे थे, दैट वॉज वन मिस्टेक। सेकेंड वॉज कि हमारी टीम में भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा लीन टीम थी, जो कि अब स्केल के बियॉन्ड इस बिजनेस को ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। अभी अपना मार्केटिंग कॉस्ट कितना है अभी? तो ओवरऑल नेट सेल्स का 4-5%। डिजिटल मार्केटिंग आप खुद कर रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग पे वेबसाइट और जो बाकी चैनल्स हैं वो अभी हमने 3-4 महीने पहले ही लॉन्च किए हैं। वंस वी रियलाइज कि दिस इज़ अ मिस्टेक एंड नाउ वी विल हैव टू डाइवर्सिफाई, तो ये जो D2C साइड वाला जो पोर्शन है ये अभी हमारा जस्ट 4-5 मंथ्स ही ओल्ड है। कितना बिजनेस आता है D2C से? आप खुद के वेबसाइट D2C से सिर्फ 5% अभी आता है। देखो ना, आपके डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी सी कमज़ोर लगी, मतलब मेरे को नहीं लगे कि ये इतने स्टाइलिश हैं। और सेकंड, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को बहुत हसल करने की ज़रूरत है, और D2C में भी आपने प्रूव नहीं करा अभी तक कुछ। आप चाहते हो कि कोई आके बस आपकी हेल्प कर दे और बना दे? नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फॉर नाउ। मैं अमन के साथ अग्री करूंगी कि मुझे डिजाइन्स में ऐसे कुछ अलग दिख के नहीं आया कि देयर समथिंग डिफरेंट। ये जो पूरा सेक्टर है, आप कितने भी मार्केट प्लेसेस में जाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कमोडिटाइज हो गया है पूरा का पूरा। एंड सो आई डोंट थिंक दैट बियॉन्ड अ पॉइंट डिफरेंशिएटर के बगैर आप कुछ एक हद तक रेवेन्यू बना पाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स इन्वेस्टेबल एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। द बिगेस्ट रीजन जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है इज प्राइस पॉइंट। 1600 का लिस्टेड 800 में 50% डिस्काउंट पे अगर मिल जाए एंड तो सस्ता समझ के कि 6 महीने में पहना के बच्चे को निकाल देंगे, वो लॉजिक से कंज्यूमर खरीद रहे हैं। बच्चों के केस में सस्ते के बेसिस पे बड़ा ब्रांड बनाना आई फील लॉन्ग टर्म में मुश्किल होगा, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट ऑफकोर्स 2.5 करोड़ का प्रॉफिट निकालना पूरा बूटस्ट्रैप करके 15,000 से स्टार्ट करके बहुत काबिले तारीफ है। सो गुड जॉब ऑन दैट निधि, स्पेशली यू, ग्रेट सर। आप बोल रहे 50 लाख आपने जनवरी में किया था, पिछले जनवरी में क्या सेल था आपका? लास्ट ईयर जनवरी में भी सिमिलर नंबर थे, फ्लैट ही था। ये जो लीन सीजन के नंबर्स हैं, बट फ्लैट ही था, मतलब उसमें लीन सीजन का ग्रोथ नहीं है। देखो कमल और निधि, मेरी खुद बेटियाँ आए, मैं कुछ शॉपिंग भी करता हूँ, बट डिज़ाइन इतना मतलब फ्लैम्बॉयंट नहीं लगा, इतना वाइब्रेंट लगा नहीं। सेकंड, आप बोलते हो ब्रांड बनाना है, आप बोले ब्रांड का कीड़ा स्टाइलो बग, बट वो खाली टैग में पीछे लगा हुआ है, अदरवाइज कपड़े देख के कहीं नहीं लगता कि ये स्टाइलो बग का है। कुछ भी एक मार्क नहीं दिख रहा, एक ब्रांड मार्क भी नहीं है, तो ओवरऑल आप जो करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें थोड़ा डिस्पैरिटी है। आई बिलीव दैट आज इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो शायद मेरा पैसा नहीं बनेगा, एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट।
आपके अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने? 3000 प्लस। इतने कम क्यों? आपने फोकस नहीं किया उस पर? फोकस अभी जस्ट जब से हमने वेबसाइट लॉन्च की है तब से हमने किया है। ये जो हमारे 3000 फॉलोवर्स है जस्ट मेहनत ऑफ आप समझ लो 2-3 महीने। मुझे लगता है कि फाइटर हो, आपने रिस्क भी लिया लाइफ में, और निधि तो मतलब मेरे को लगा बहुत ही इंप्रेसिव हो। घर बैठ के 14 करोड़ का धंधा बनाना, पूरा भारत इंस्पायर हो रहा है। देखो मैं ना जो ऑफर दूंगा इट्स बेसिकली बेसिस माय ओन स्किल की, मैं अगर घुसूंगा इसमें तो विल आई हैव टू वर्क विद यू ऑन डिजिटल मार्केटिंग साइड। आई विल इन्वेस्ट 80 लाख एट 10%, 8 करोड़ वैल्यूएशन मैं लगा रहा हूँ। कम है वैल्यूएशन आई एग्री, बट आई एम वैल्यूइंग माय टाइम, आई हैव टू पुट मेक दिस हैपन। अमित एक काउंटर करना चाहूँगा, 80 लाख फॉर 5.71% इक्विटी जो कि होता है 14 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी। अगर मैंने पहले 5% ले भी लिया, लेट्स अज्यूम, और मैंने कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया और केवल पैसा लगा दिया, अरे फ्लैट सारा जैसे अभी चल रहा है 14-14 करोड़, और आपका 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 5-5% करके आपने मेरे रिटर्न भी दिया, तो 10-10 लाख करके तो क्या 8-10 साल लग जाएंगे रिटर्न निकालने। इसलिए मैंने अपनी तरफ से फेयर ऑफर दिया, तो मैं उस पर नॉन नेगोशिएबल ऑफर दे रहा हूँ, मैं उतने में स्टिक करूँगा। तुम कॉल ले लो जो तुम्हें गट फील लगता है। ओके शार्क्स, डील पक्की। स्टाइलोबर्ग एड्स अमित जैन एज द न्यू स्टाइल आइकॉन। अब हो जाएगा स्टाइल देखो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अमित। थैंक यू सो मच। प्लेजर। All the best. Thank you. Thank you, Sharks. Thank you. Bye-bye. आज शार्क एक्सपीरियंस में विनीता फरीदाबाद से जियासर का सवाल है, आपके पति और आप एक पावर कपल हैं, दोनों एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन दोनों में से बॉस कौन है? हमने पहले दिन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किए हैं, जहां तक प्रोडक्ट फाइनेंस रिटेल है वहां मैं बॉस हूँ, जहां मार्केटिंग टेक ई कॉमर्स है वहां कौशिक बॉस है, ओवरऑल बिजनेस की सीईओ मैं हूं, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग मैं करती हूं, पर मोस्ट डिसीजंस हम काफी कोलैबोरेटिवली लेते हैं।